मेरी बात तो सुनिए भ्राता, अवश्य आपको कोई भ्रम हुआ है भ्राता। भ्रम नहीं, सत्य का भान हुआ है मुझे। आज तक मैं अंधकार में जी रहा था, तुझे अपना प्रिय जानकर तुझे लाल डुटा रहा था, लेकिन तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया है। भ्राता, आप समझते क्यों नहीं भ्राता, भला मैं आपका प्रिय अनुज कैसे आपके साथ विश्वासघात कर सकता है भ्राता? ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार बाल्यकाल में तुम मेरे साथ किया करते थे। किंतु भ्राता, वो बाल्यकाल था, बाल्यकाल में तो हम मात्र क्रीड़ा किया करते थे भ्राता, किंतु ये युवा काल है भ्राता, एक दूसरे भ्राता को समझने के लिए भ्राता। तुझे समझ चुका हूँ दुष्ट, अब और कुछ जानने समझने की आवश्यकता नहीं। भ्राता वाली मैं यहाँ भ्राता बाली से सुरक्षित तो हूँ, किंतु मुझे हर समय सावधान रहना होगा। हो सकता है वो मुझे मारने के लिए कोई दूसरा योद्धा भेजते। एक बार मैं इस पर्वत का निरीक्षण कर देता हूँ। ऋषिमुख पर्वत तो यही है, अब प्राण जीविका बूटी भी यहीं कहीं होनी चाहिए। तो मैंने उचित ही सोचा था, अवश्य इसे मेरे भ्राता बाली ने भेजा है, तभी ये मुझे आकर यहाँ ढूंढ रहा है। जिस प्रकार ये बूटियां ऊर्जा उत्पन्न कर रही हैं, प्रतीत होता है कि यही वो प्राण जीविका बूटी है। अब तू मेरे दूसरे वार से नहीं बच सकता। ये वानर तो इस प्राण जीविका बूटी का रक्षक प्रतीत नहीं होता, फिर ये किस बात पर इतना आक्रोशित हो रहा है? अवश्य ही इसे भ्राता बाली ने कोई दिव्य शक्ति देकर भेजा होगा, किंतु मुझे इसका सामना करना ही होगा। बस कर वानर, तेरी गदा में इतना बल नहीं कि हमें छू भी सके। चला जा, इससे पहले मैं अपने अस्त्र निकालूं। एक चंचल वानर की कृतिया समझ के छोड़ दूंगा तुझे। इस निर्दोष वानर को मार भी नहीं सकता। दुष्ट, छोड़ दे मुझे, मुझे ज्ञात है तुझे मेरे भ्राता बाली नहीं भेजा होगा मेरा वध करने के लिए, तो तू मुझे मार नहीं पाएगा। छोड़। उस बाली का छोटा भाई सुग्रीव है, किंतु इसे कदाचित मुझे लेकर कोई भ्रम हुआ है। मैं उस दुष्ट अधर्मी बाली का योद्धा नहीं, परशुराम हूं सुग्रीव। प्रभु, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु।
तुम्हारे स्थान पर यदि मैं होता तो मुझसे भी ये भूल हो जाती सुग्रीव। किंतु तुम्हारा भाई तुम्हें मारना क्यों चाहता है? बहुत लंबी कथा है प्रभु, परंतु सत्य यही है कि इसमें दोष मेरे भ्राता बाली का ही है। तुम्हारे दुष्ट भाई बाली के बारे में ज्ञात है मुझे। प्रभु आप कब उनसे मिले? ये भी एक लंबी कथा है सुग्रीव, किसी और दिन बताऊंगा। किंतु एक बात बताओ, तुम इस पर्वत में क्यों रहते हो? क्योंकि संसार में मात्र एक यही स्थान है जहाँ भ्राता बाली आने की कभी भूल नहीं करेंगे। यदि वो यहाँ आ भी गए तो मतंग ऋषि वर के श्राप के कारण इनके मस्तक के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। पर प्रभु आप यहाँ कैसे? एक भक्त के प्राण बचाने के लिए मुझे प्राण जीविका बूटी चाहिए। प्रभु आप यहीं रुकिए, मैं लाता हूं बूटी तोड़कर आपके लिए। अश्वनी कुमारो, मैं आपको प्रणाम करता हूं और आपसे विनती करता हूं इस प्राण जीविका बूटी में प्राणदायक रस उत्पन्न हो। और ये प्राण जीविका बूटी मैं एक व्यक्ति के प्राण बचाने के लिए लेने आए परशुराम जी को देना चाहता हूं। कृपया करके आप मेरे साथ चले। सुग्रीव और बाली दो सगे भाई, किंतु दोनों में कितना अंतर है। एक अधर्म के मार्ग पर है और दूसरा धर्म के पथ पर। ये लीजिए परशुराम जी बूटी, मैं ले आया। धन्यवाद सुग्रीव, आप चाहें तो मेरे साथ आ सकते हैं। आपका भाई बाली मेरे साथ आपका हित नहीं कर सकता। मैं जानता हूं प्रभु, परंतु मतंग ऋषिवर ने मुझे यहां तब तक रुकने के लिए कहा है जब तक मेरी भेंट श्री राम जी से नहीं हो जाती। कदाचित श्री राम से मिलने के पश्चात क्या पता इस तुच्छ वानर के जीवन में चमत्कार ही हो जाए। प्रभु अवश्य होगा सुग्रीव, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है, अपना ध्यान रखिएगा। श्री राम 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 राम। यदि कुछ क्षण और बीत गए तो इस मूर्छित युवा के प्राण संकट में पड़ जाएंगे। राम राम। संकट का समय समाप्त होता है ऋषिवर। ये लीजिए ऋषिवर, प्राण जीविका बूटी। तुम उचित समय पर आए हो परशुराम, अब शीघ्र ही इसकी मूर्छा टूट जाएगी। ये तो चमत्कार हो गया, परशुराम जी के कारण के प्राण बच गए। परशुराम? हाँ यही है परशुराम।
तुम इन्हीं के बाण से मूर्छित हो गए थे और इन्हीं की लाई हुई जड़ी बूटी से स्वस्थ भी हो गए। जिसके साथ मेरे प्रभु का नाम जुड़ा हो वो कोई साधारण व्यक्ति हो ही नहीं सकता। कृपया इस दास को अपने वास्तविक रूप से परिचित कराए प्रभु। क्या बात है काकभूषण जी, आप इतने विस्मित क्यों हो रहे हैं? प्रभु, आपकी लीला से भला कौन नहीं विस्मित होगा। आप मुझसे इससे पूर्व भी अपनी बाल लीला से विस्मित कर चुके हैं। अब पुनः आपका ये रूप मुझे घोर आश्चर्य में डाले हुए है। आप मेरी लीलाओं की चिंता से मुक्त हो जाइए प्रिय काकभूषण जी, और उस कार्य को आरंभ कर दीजिए जो आपको परशुराम के साथ करना है। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। आपको मेरा बारंबार नमन है परशुराम। वैसे तो जीवन का कोई मोल नहीं होता, किंतु यदि इस उपकार का ऋण चुकाने का कोई मार्ग हो तो मुझे आदेश दे प्रभु। फिर तो आदेश नहीं, आग्रह करूंगा काकराज। कृपया हमें भी श्री राम के बारे में बताएं, जिनका सुमिरन आप पूछतावस्था में भी कर रहे थे। आपकी लीला आप भी जाने प्रभु। मैं तो केवल आपके चरणों का दास हूं, जिसे मात्र आपकी आज्ञा का पालन करना है। हे काकराज, आप श्री राम को कैसे जानते हैं? कृपया हमें भी उनके बारे में बताइए, उनके विषय में जानने के लिए बहुत इच्छुक हैं। कृपया हमें भी उनका परिचय दीजिए। तो सुनिए प्रभु, प्रभु श्री राम के विषय में मेरा ज्ञान एक श्राप से जुड़ा है। बहुत समय पूर्व मैं ऋषि लोमश का शिष्य हुआ करता था। ऋषिवर लोमश जितने बड़े ज्ञानी थे उससे कहीं अधिक गंभीर और शांत चित्त वाले एक महान योगी भी थे। किंतु प्रभु, उन दिनों में बहुत नटखट हुआ करता था। तुम्हारी यह दृश्यता की अपने गुरु की पोथी खोलकर देखो और इसका दंड मैं तुम्हें परीक्षा के उपरांत दूंगा, और ऐसा दंड जो तुम्हें आजीवन स्मरण रहेगा। मेरे गुरुदेव की एक विशेषता थी कि किसी भी शिष्य के भूल पर उसे केवल डांट लगाकर ही छोड़ देते थे। इसके अतिरिक्त किसी भी शिष्य को कोई शारीरिक दंड नहीं दिया करते थे। मैं इस बात से अस्वस्थ हो चुका था, इसलिए कई भूले करता चला गया। किंतु प्रभु, मैंने एक ऐसी भूल कर दी जो मेरे हृदय को सदा के लिए परिवर्तित कर दिया। अब देखो तुम लोग हमारे गुरुदेव कैसे बोलते हैं। देखना, प्रिय शिष्यों, जीवन प्रतियोगिता
और संघर्षों से भरा पड़ा है। यदि तुम गिरे तो कुचले जाओगे, इसलिए रुकना मत, गिरना मत, चलते चले जाना, चलते चले जाना। वावा, वावा, वावा। अब तनिक गुरुदेव की चलने की शैली तो दिखाओ मित्र भुशंडी। अवश्य, तुम सभी का मनोरंजन करना मेरा परम धर्म है मित्रों। अभी दिखाता हूँ मित्रों। लो, दूसरे सहकलाकार भी आ गए मित्र। अब और आनंद आएगा। अब देखना मैं गुरुदेव की कैसे नकल उतारता हूँ। हट हट, जब देखो काव 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 काव, ये लट देख रहे हो, एक लट पड़ेगी ना तो दोबारा इधर आओगे नहीं। भाग जा मूर्ख, अन्यथा मैं तुझे श्राप दे दूंगा। मैंने आज तक ना कभी किसी को कोई दंड दिया है और ना ही कोई श्राप। भय मैं केवल इनको यहां से दूर करने के लिए करता हूं। मूर्ख भुशंडी, तुमने इन्हें मेरे आश्रम में आहत कर घोर पाप किया है, इसीलिए मैं ऋषि लोमश तुम्हें इन्हीं की भांति एक कांक बनने का श्राप देता हूं। मेरी बाल बुद्धि को क्षमा करें गुरुदेव, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैंने अपने गुरु का अनादर किया, आश्रम के नियम तोड़े हैं और एक काक को आहत कर उसे कष्ट पहुंचाया है, इसलिए मैं स्वयं को दोषी मानते हुए आपके श्राप को आशीर्वाद के रूप में स्वीकार करता हूं। गुरुदेव भुशंडी, क्रोध में आकर मैंने तुमको श्राप तो दे दिया है, किंतु तुम्हारे पश्चाताप और आश्रमों को देखकर मैं द्रवित हो गया हूँ पुत्र। अतः अब मैं तुम्हें एक वरदान भी देता हूँ। अब तुम जिस दिन प्रभु महादेव के मुख से श्री राम के जीवन चरित्र की कथा सुनोगे, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा वत्स। कालांतर में यह सृष्टि तुम्हें महाज्ञानी महाभक्त काकराज भुशंडी के नाम से जानेगी। अब तुम शीघ्र ही कैलाश के लिए प्रस्थान करो। धन्यवाद गुरुदेव, तुम्हारा कल्याण हो पुत्र। इसके उपरांत मैं उड़ते उड़ते एक लंबी यात्रा के पश्चात एक दिन कैलाश पर्वत पर पहुंच गया, ताकि महादेव के मुख से रामचरित की कथा सुनकर स्वयं का उद्धार कर सकूं। यहां तो केवल प्रभु महादेव ही विराजमान है, अब पता नहीं यहाँ कौन सा भक्त आएगा और प्रभु किसे राम कथा सुनाएंगे जिसे सुनकर मेरा उद्धार संभव हो पाएगा। किंतु तब तक मुझे कैलाश में ही रहना होगा। किंतु समय बीतता गया और महादेव समाधि में लीन रहे। मैं सांस में हिमालय की शीत लहरों को सहता रहा कि कभी तो कोई भक्त आएगा जिसे प्रभु राम कथा सुनाएंगे।
और फिर वर्षों प्रतीक्षा करने के पश्चात अंततः एक दिन वो शुभ घड़ी आ ही गई। राम